नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु कट्स के बारे में। वास्तु कट्स जो होते हैं वो वास्तु के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। एक जगह पे वास्तु कट होना मतलब वहाँ की एनर्जी की पॉजिटिविटी कम होना, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वो वास्तु के दूसरी एनर्जी के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। तो ये सब हम देखेंगे कैसा है, उसके ऊपर उपाय क्या है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम ये नॉर्मल वास्तु के बारे में, बाद में मैं कुछ कट के एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, ताकि आपको आपके फ्लैट में कट किस प्रकार से है या नहीं है ये आपको समझ में आएगा। हम मुख्य दिशाएं देखते हैं, ये नॉर्थ यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये मुख्य दिशाएँ हैं वास्तु की। अभी मुख्य दिशाओं में कट कैसे आ सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत बार ऐसे होता है कि उत्तरमुखी मकान हम लेते हैं यानी नॉर्थ फेसिंग, तो इसमें समझो यहाँ से एंट्रेंस है, तो ये एंट्रेंस होने के बाद में ये रूम यहाँ से ऐसा आता है, ड्राइंग रूम बन जाता है, और फिर प्लान जो है इसको एक रूम बनाकर बाकी के रूम यहाँ से आगे लेते हैं या कुछ, तो इस प्रकार से ये कट यहाँ पर ये यहाँ से एंट्री लेने के बाद में फिर नॉर्थ कट होगा। तो इस प्रकार से ये कट हो सकता है नॉर्थ, या फिर आपके यहाँ पर दो रूम है और बीच में ही कुछ डक के लिए स्पेस छोड़ा है। हम बहुत बार छोड़ते हैं ऐसा डक ओपन टू स्काई। अगर इसको ऊपर रूफ है तो ओके है, ये ओपन टू स्काई है तो ये कट क्रिएट हो गया है, यहाँ पर फिर वॉल नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से मुख्य दिशा में कट तैयार हो सकता है, या फिर जो वरंडा होता है, वरंडा मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि उसको हम ग्रिल करते हैं, ग्रिल विल लगा के पूरा वो रूम जैसा ही बन जाता है। अभी समझो आपका ईस्ट से एंट्रेंस है, आपने यहाँ पर कुछ वरंडा जैसा बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका किचन का वॉशिंग प्लेस है, उसको भी आपने कवर्ड किया है, तो यहाँ पर ईस्ट कट हो गया। ईस्ट का पोर्शन यहाँ पे कट होने से ईस्ट के जो आपको परिणाम मिलने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम आएगा। ऐसा ही साउथ के बारे में भी हो सकता है, यहाँ पर आप कुछ बॉक्स निकालोगे, आपका बेडरूम है साउथ वेस्ट में यानी कि नैऋत्य में, और किचन है तो यहाँ पर कुछ बॉक्स या फिर कुछ ज़्यादा बाहर निकालते हो, तो यहाँ पर यह साउथ कट हो गया है। तो इस प्रकार से ये मुख्य दिशाओं में कट क्रिएट हो सकता है। मुख्य दिशाओं में कट क्रिएट होना यानी कि मुख्य दिशाओं की एनर्जी में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ये कट कैसे क्रिएट होता है ये तो मैंने आपको अभी दिखाया है कि इस प्रकार से मुख्य दिशाओं में कट क्रिएट हो सकता है। अभी देखते हैं उप दिशाओं में कैसे कट क्रिएट हो सकता है, इसके ऊपर हम उपाय क्या कर सकते हैं ये भी देखेंगे। अभी समझो उप दिशा नॉर्थ साउथ वेस्ट लेते हैं। साउथ वेस्ट में कट कैसे क्रिएट होगा कि समझो आपने यहाँ पर कुछ गैलरी निकाली है, आपका बेडरूम है, बेडरूम को लग के आपने कुछ गैलरी निकाली है, और ये गैलरी जो है आपका टेरेस है बड़ा, मतलब 10x6 वगैरह ऐसा आपका कुछ बड़ा गैलरी टेरेस है, और ये ओपन टू स्काई है। अगर ये ओपन टू स्काई है तो ये आगे कट क्रिएट करेगा। अगर ये ओपन टू स्काई नहीं है, कवर्ड है, तो ये एक्सटेंशन क्रिएट होगा यहाँ पर, या फिर ये जो है दोस्तों ये गैलरी अगर आपके अंदर के साइड में है तो अंदर के साइड में होने की वजह से और इसको कवर्ड नहीं है तो ये यहाँ पर कट क्रिएट करेगा। सेम वे समझो आपका वेस्ट में टॉयलेट है, टॉयलेट होने की वजह से यहाँ पर आपने कुछ डक्ट वगैरह छोड़ रखा है तो ये डक्ट भी कट क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार के ये मैंने कुछ एग्जांपल दिखाए हैं कि ये कट कैसे क्रिएट हो सकता है। ये मुख्य दिशाओं में हो सकता है, उप दिशाओं में हो सकता है। अभी ये एक फ्लैट जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया है, इसको हम देखते हैं, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम है। अभी इस फ्लैट में यहाँ पर मेन डोर है, ये नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, मेन डोर है, यहाँ पर इनका ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम होने के बाद में यहाँ पर बेड है, यहाँ पर एक बेड है,
ये डाइनिंग एरिया है, किचन है। अभी हम फ्लैट में जाने के बाद अंदर क्या देखते हैं कि यार नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, बहुत बढ़िया है। बेडरूम हमें मिल रहा है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य में, बहुत बढ़िया है। किचन हमें अंदर हम देखते हैं, हम लेआउट देखते नहीं है, तो हमको लगता है चलो साउथ ईस्ट में हमें किचन मिल रहा है, मस्त है, अग्नेय में है, अच्छा है, यहाँ पर पूजा घर बना देंगे नॉर्थ ईस्ट। लेकिन दोस्तों जब आप ये लेआउट देखोगे तो आप देखोगे कि इसका इतना पोर्शन कट हो चुका है, ये भी पोर्शन कट हो चुका है। यानी इस फ्लैट में मेजर जो दोष है ये है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण कट हो चुका है और साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण ये भी कट हो चुका है। अभी साउथ ईस्ट कट होने की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा कि लेडीज के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चालू होंगे, आपको आपके पैसे के भी प्रॉब्लम चालू होंगे, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड भी है ये जो कॉर्नर है वो, तो ये सभी चीज़ें इस कॉर्नर में आपको प्रॉब्लम्स चालू करेगी। अभी हम देखते हैं कि अगर समझो ईस्ट में कट है तो क्या होगा। अगर ईस्ट में कट है तो ये आपको कोर्ट मैटर्स वगैरह इन सभी चीज़ों में लीड कर सकता है। आपका जो मान सम्मान है, आपको जैसा एक्सपेक्टेड है उतना रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलना, ये सब चीज़ें इसकी वजह से हो सकती है। साउथ का जो कट है इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैसे की जितनी भी चीज़ें, आपके प्रोग्रेस की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें रुकावटें आना, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद में है वेस्ट। वेस्ट में अगर कट आया है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट इसका करेगा कि आपके बच्चों के रिलेटेड, आपके वाहन के रिलेटेड, मतलब एक्सीडेंट रिलेटेड, ये सब चीज़ें ये दिखाता है। मेनली बच्चों के रिलेटेड ये चीज़ें ये दिखाएगा कि उनके प्रोग्रेस में हमेशा कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहना, ये सब चीज़ें होती है। नॉर्थ में अगर है तो आपको पैसे के प्रॉब्लम्स चालू होंगे, आपके पास में अगर कुछ सेविंग्स आप करना चाहते हैं तो वो टिकेंगे नहीं, खर्चे बढ़ेंगे, घर में आपके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा, आप इनकम कितना भी बढ़ाओ लेकिन पैसा नहीं टिकेगा। तो ये प्रॉब्लम्स नॉर्थ में अगर कट है, दोष है, तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। अभी उपदिशाएं अगर देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कट आया है, नॉर्थ ईस्ट का कट जो है वो आपको प्रॉब्लम ये करेगा कि आप में जो भी स्पिरिचुअलिटी है या फिर आपका जो अभ्यासु वृत्ति है जिसको हम स्टूडियस बोल सकते हैं, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा अभाव आपको इस दिशा में कट आने की वजह से दिखेगा। कंसंट्रेशन उतना नहीं होगा बच्चों को पढ़ाई में, ये सब चीज़ें इसकी वजह से होगी। साउथ ईस्ट जो है ये लेडीज़ के हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें इतना आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। साउथ वेस्ट जो है, ये उपदिशाएं मैं बता रहा हूँ, साउथ वेस्ट जो है यहाँ पर अगर समझो कुछ कट आता है तो ये कट आपको प्रॉब्लम ये करेगा कि ये सबसे साउथ वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट, ये दो कट अगर है तो इसको सबसे पहले आप करेक्ट कर लीजिए। जो साउथ वेस्ट है आपको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, खर्चे रुकना नहीं, रिलेशन में प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ों में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो साउथ वेस्ट का कट है। इसलिए अगर साउथ वेस्ट में कट है तो सबसे पहले आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अगर कट है तो नॉर्थ वेस्ट का कट आपको प्रॉब्लम ये कर सकता है, आपके जो बच्चों के रिलेटेड या हमेशा मेडिकल में पैसे खर्चे होना, कुछ ना कुछ घर में एक मेंबर का मेडिकल का कंप्लीट हो गया, दूसरे का चल होना, दूसरे का हो गया, तीसरे का, कंटिन्यूस मेडिकल का कुछ ना कुछ लगे रहना, ये नॉर्थ वेस्ट का जो कट है। और आपके जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स के साथ में आपके जो रिलेशन है उसमें भी ये प्रॉब्लम कर सकता है अगर ये कट ओपन टू स्काई है। अगर यहाँ पर गैलरी है और ऊपर रूफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये गैलरी ओपन टू स्काई है तो ये आपको आपके जो रिलेटिव्स है उनके रिलेशन, जो आप उनके साथ में रिलेशन है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नॉर्थ वेस्ट का भी कट जो है ये कट भी अच्छा नहीं है। तो मैंने ये मुख्य दिशाएं आपको बताई है, उप दिशाओं में कट है तो क्या हो सकता है ये भी मैंने आपको बताया है। इस कट के ऊपर हम क्या उपाय कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को जो नीचे शेयर बटन है उसको प्रेस करके आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में जो वास्तु का प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, आपके फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों।